हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं पाइथन 3 के अंदर हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का क्या यूज है, और उसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो वेरिएबल क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल, हम लोग का जो पाइथन का कोड होता है उसके अंदर हम लोग को कुछ डेटा हम लोग को स्टोर करना होता है। तो हम लोग जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, टेम्पररीली हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वेरिएबल। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यूजर इक्वल टू इनपुट और सिंगल कोड के अंदर मैसेज लिखा था। उसके बाद हम लोग जो इनपुट लेते हैं उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, तो जो हम लोगों ने इनपुट दिया होता है नाम वगैरह, वो किसके अंदर स्टोर होता है, तो ये जो यूजर है इसके अंदर, और इसके अंदर जो भी वैल्यू होता है वो सिंपली प्रिंट हो जाती है। तो फ्रेंड, ये जो यूजर है इसको आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के अंदर आप इसको बोल सकते हो वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़े बड़े हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर जब भी हम लोग को कुछ टेम्पररी वैल्यू स्टोर करना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है, हम लोग को एडिशन मल्टीप्लिकेशन मतलब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हम लोग जनरली उसको स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो डायरेक्टली हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, मतलब हमारे रैम के अंदर। और रैम के अंदर स्टोर होने से क्या हो जाता है, हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है वो सिंपल हो जाता है, फास्ट। तो सिंपल, अभी आपको याद रखो कि आपको अगर कोई भी वैल्यू आपके पाइथन कोड के अंदर आपको स्टोर करना है तो उस केस के अंदर हम लोग को यूज करना होता है वेरिएबल। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिफाइन क्या होता है। तो फ्रेंड, सिंपल है, जो वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग की टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन करना और डिफाइन करना। तो फ्रेंड, वेरिएबल के अंदर जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड है ये आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जो फ्यूचर के जो एपिसोड आने वाले हैं या फिर आप फ्यूचर के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, प्रोग्रामिंग कोड सीखोगे, उसके अंदर इस तरीके से जो टर्म्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, इनिशियलाइजेशन, डिफाइन, ये सब यूज़ किए जाते हैं, तो तब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो सिंपल, वेरिएबल के अंदर हम लोग जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो फ्रेंड, इसका एकदम सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना है वेरिएबल, मतलब आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे यूज़र लिखा है तो इसकी जगह पे आप यूज़र नेम लिख सकते हो या फिर आप नेम लिख सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इक्वल टू यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर नाम डालना है तो आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो डायरेक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इसके अंदर हम लोग छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर जो इनपुट वैल्यू लेता हूँ वो किसके अंदर स्टोर होता है, ये जो नेम वेरिएबल है उसके अंदर, उसके बाद हम लोग उसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, उसके बाद test.py, उसके बाद इनपुट ले रहा है, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ सिंपल sudo और उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वैल्यू जो इसके अंदर जा रही है, किसके अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर, ये कब जा रहे है, जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब। लेकिन अगर मुझे यूजर से इनपुट नहीं लेना है, उसके अंदर मुझे फिक्स वैल्यू रखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पे जैसे sudo लिख दूंगा, और उसको मैं जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे इनपुट नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ये जो वेरिएबल है नेम वेरिएबल, इसके अंदर ये जो sudo जो मैंने लिखा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब आपकी मेमोरी के अंदर, आपके रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब भी आपका पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो सिंपल हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको दिखेगा नेम और नेम के अंदर क्या वैल्यू है, तो sudo, तो सिंपल sudo वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको ये जो वेरिएबल है
उसके अंदर आपको अगर वैल्यू डालना है तो सिंपल हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर और उसके बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यू। तो इसके अंदर मैंने अभी फिलहाल सिंगल कोट के अंदर जो लिखा है वो होता है टेक्स्ट, मतलब नाम वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी मैं मुझे इसके अंदर नंबर स्टोर करना है तो मैं सिंपल लिखता हूँ नंबर, और उसके बाद अभी ये जो नेम है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा नंबर, और इसके अंदर अभी क्या प्रिंट होगा तो हेलो के बाद यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1, 2 और 3। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन फाइल का नाम। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल होता है जो वेरिएबल उसके अंदर हम लोग जो चाहे वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट स्टोर करो, नंबर स्टोर करो, ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी वैल्यू स्टोर करना हो वो आप स्टोर कर सकते हो। और फिर ये जो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हो। तो ये जो वेरिएबल के नाम है इनके अंदर आप उसका नाम कैसे रखोगे, कौन कौन से कैरेक्टर वो अलाउ करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट की स्लाइड में सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सिंपली चेंज किया तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो मैंने खाली सिंपल जो वेरिएबल था उसका मैंने नाम चेंज किया तो इसके अंदर भी सेम ही आउटपुट आएगा। तो 1, 2, 3 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा यूज़र के अंदर, और उसके बाद सिंपल हेलो प्रिंट होगा, और यूज़र के अंदर अभी क्या वैल्यू है तो 1, 2 और 3। तो फिर से आउटपुट के अंदर आपको 1, 2 और 3 ही यहाँ पे आउटपुट में आने वाला है। तो फ्रेंड उसी तरीके से हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो है वेरिएबल रीअसाइनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती उसको हम लोग सिंपली चेंज करेंगे, मतलब हम लोग उसके अंदर जैसे ही नई वैल्यू डालेंगे तो पुरानी वैल्यू निकल जाएगी और जो नई वैल्यू होगा वही हम लोग को वो आउटपुट के अंदर हम लोग को देगा। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल रीअसाइनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि फ्यूचर के अंदर जो एपिसोड आने वाले हैं या फिर आप फ्यूचर के अंदर कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो उसके अंदर ये जो टर्म्स है, ये जो शब्द है वेरिएबल रीअसाइनमेंट, फिर इनिशियलाइजेशन, ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग देखते हैं जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम लोग री इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यूज़र के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ टैक्स, मतलब इसके अंदर मैं अभी स्टोर कर देता हूँ नाम, और इसके अंदर मैं अभी लिखता हूँ फिलहाल तो मुझे खाली वेरिएबल का जो वैल्यू है वही डायरेक्टली प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि यूज़र के अंदर उसको 1, 2, 3 स्टोर करना है, तो ये जो यूज़र वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर कर देगा 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो 1, 2, 3। उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या किया तो यूज़र को रीअसाइनमेंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूज़र के अंदर अभी कौन सी वैल्यू चलेगी सूडो, और 1, 2, 3 उसमें से निकल जाएगा और हम लोग को प्रिंट के अंदर यहाँ पे क्या दिखेगा सूडो। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं पाइथन और आपकी फाइल का नाम। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो 1, 2, 3 आया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको रीअसाइनमेंट कर दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र की वैल्यू चेंज हो गई, 1, 2, 3 निकल गया, इसके अंदर क्या स्टोर हो गया अभी सूडो, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में आ गया सूडो। तो फ्रेंड जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर आप फिर से वैल्यू डालते हो उसको हम लोग बोलते हैं रीअसाइनमेंट, या फिर आप उसको रीइनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो, मतलब आपने फिर से उसको रीइनिशियलाइज किया, मतलब उसको फिर से आपने स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल का नाम आपको कैसे रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पिछला प्रोग्राम था उसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से यूज़र रखा हुआ था, फिर आपको क्या रखना है, यूज़र रखना है, नेम रखना है, कैसे रखना है, तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जो वेरिएबल का नाम रखते हैं वो नाम कैसा रखते हैं, जैसे आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, मतलब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम हम लोग कैसे एकदम सोच के अच्छे से हम लोग नाम रखते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो इतने क्रेजी होते हैं इसके पीछे, तो हम लोग जो वेरिएबल का नाम रखते हैं वो एकदम मीनिंगफुल
और अच्छा सा हम लोग नाम रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा मीम है जिसके अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, क्रेजी सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो वेरिएबल का नाम जो रखना है उसको हम लोग को एकदम परफेक्ट रखना ही रखना है, तो उसके पीछे 30 मिनट 1 घंटा ऐसे ही निकाल देते हैं। ये सिंपल सा मीम है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस मीम के अंदर उसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऐसा है कि हम लोग वेरिएबल का नेम जो रखते हैं उसको आपको एकदम अच्छे से रखना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल का नेम रखते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोग को सिंटेक्स एरर बहुत ज़्यादा आती है। तो तब क्या होता है कि आपने पाइथन को कुछ अच्छे से इंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपरली फॉर्मेट वाइज आपने दिए नहीं होते हैं। तो फ्रेंड वही आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वेरिएबल का नाम हम लोग जब भी रखते हैं तो वेरिएबल का नाम का जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा लेटर से होना चाहिए, मतलब ABCD से होना चाहिए, या फिर आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड जैसे हम लोग जो ह्यूमन हम लोग जो नाम रखते हैं राम श्याम, तो हमारा नाम कैसे स्टार्ट होता है, मतलब ABCD इन शॉर्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हमारा नाम कभी नहीं होता है 1 2 3 राम। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नाम हम लोग कभी नहीं रखते। हम लोग नाम कैसे रखते हैं, ABCD सिंपल पहले आता है, तो वैसा ही वेरिएबल के अंदर भी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, जैसे आपके घर में जैसे न्यू बेबी आता है उसका नाम हम लोग कैसा रखते हैं एकदम मीनिंगफुल, वैसा ही आपको वेरिएबल का नाम भी रखना है। और प्रोग्रामिंग के अंदर फ्रेंड बहुत लोग अंडरस्कोर के भी फैन होते हैं, मतलब आपके कीबोर्ड के अंदर एक कैरेक्टर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्कोर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मेरा माउस अभी घूम रहा है, तो ये रहा आपका अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे पहला पॉइंट जो था उसके रिलेटेड ही है दूसरा पॉइंट, तो आप डायरेक्टली नंबर से आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा जो है, वेरिएबल के नाम के अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक, मतलब ABCD और नंबर दोनों आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पहला जो कैरेक्टर होगा वो आपका होना चाहिए लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक ये कंडीशन है। उसके बाद जो चौथी कंडीशन है उसके अंदर आपका जो वेरिएबल का नाम होता है वो होता है कैश सेंसिटिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एज, फिर ये रहा इसके अंदर ए कैपिटल है, फिर इसके अंदर पूरा का पूरा कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पाइथन ये तीनों वेरिएबल को अलग अलग समझेगा, लेकिन हमारे जो ह्यूमन होते हैं हमारे केस में थोड़ा अलग होता है। जैसे किसी का नाम है श्याम, तो आप श्याम को छोटा लिखो या फिर आप बड़ा कैपिटल में लिखो, हम लोग के लिए उसका एक ही मीनिंग निकलता है, लेकिन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एटलीस्ट पाइथन के केस में ये आप जैसे ही इसको छोटा बड़ा लिखोगे तो पाइथन उसको हर एक बार अलग अलग ही समझने वाला है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कीवर्ड, मतलब पाइथन के अंदर कुछ ऐसे फिक्स कीवर्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स हुआ, क्लास हुआ, फ्रॉम, फिर यहाँ पे इफ, मतलब इतने सारे जो कीवर्ड है ये कीवर्ड आप आपके वेरिएबल के नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जैसे 123 माई नेम, और इसके अंदर मैं सूडो स्टोर कर देता हूँ और इसको हम लोग करते हैं प्रिंट। एक्चुअली प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर आने वाली है हमारी सिंटेक्स एरर, और अभी हम लोग इसको करते हैं एक्सिक्यूट टेस्ट डॉट py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स एरर किसके अंदर, तो यहाँ पे बता रहा है वेरिएबल के नेम के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पे एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम है वो आप 1 2 3 मतलब नंबर से इन शॉर्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें से अभी मैं निकाल देता हूँ 1 2 3, उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, तो प्रॉपरली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है फ्रेंड, मतलब हमारे वेरिएबल के नेम के अंदर अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो अंडरस्कोर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला कैरेक्टर है स्पेशल कैरेक्टर के अंदर वो खाली सपोर्ट करता है अंडरस्कोर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैंने लिखा पाइथन, फिर उसके बाद फाइल, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि वो अलाउ करता है हम लोग को अंडरस्कोर और हमारे अल्फाबेट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर मैं अभी कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है फिर
फिर यहाँ पे स्टार, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी आएगा सिंटेक्स एरर, क्योंकि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो पाइथन अलाउ नहीं करता है। और ये जो वेरिएबल है इसके बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस रख दिया, तो फ्रेंड वो स्पेस भी वो अलाउ नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से इनवैलिड सिंटेक्स की प्रॉब्लम आ रही है। और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो अगर आप वेरिएबल के बीच में भी रखोगे तो भी फ्रेंड वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको फिर से इनवैलिड सिंटेक्स की प्रॉब्लम देगा। तो सिंपल, हम लोग जैसे ह्यूमन लोग हम लोग जैसे नाम रखते हैं हमारे बच्चों का, उसी तरीके से आपको सिंपल वेरिएबल का नाम भी रखना है। तो सिंपल जैसे अल्फाबेट के अंदर नाम होता है वही सिंपल आपको भी नाम रखना है। और ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर, उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर माय नेम, इसको मैं करता हूँ सेव, फिर हम लोग जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर सुडो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है माय नेम उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया था सुडो, सुडो यहाँ पे स्टोर हुआ, उसने यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम होता है केस सेंसिटिव, मतलब अगर आपने यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ पूरा का पूरा स्मॉल में, तो फ्रेंड आपका जो वेरिएबल है वो अगर आपने पूरा स्मॉल में रखा है तो आपको जब भी प्रोग्राम के अंदर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसको स्मॉल के अंदर ही रखना है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे उसको ये जो n था इसको मैंने कर दिया बड़ा, और इसके अंदर मैं कुछ नई वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देता हूँ पावर, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा माई नेम, तो इसके अंदर अभी क्या प्रिंट होगा तो पावर। क्यों? क्योंकि ये जो माई नेम है और ये जो माई नेम है ये दोनों अलग अलग है, पाइथन को ये दोनों अलग अलग ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो वेरिएबल का नाम था उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, इसके अंदर n कैपिटल है, इसके अंदर n कैपिटल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, अगर आपने वेरिएबल का नेम छोटा रखा है तो आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर छोटा ही यूज़ करना है, और अगर आपको डिफरेंस क्रिएट ही करना है तो इस तरीके से डिफरेंस बिल्कुल भी मत क्रिएट करना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ पे भी माय नेम है यहाँ पे भी माय नेम है लेकिन यहाँ पे एन कैपिटल है, तो इसमें से जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा। तो वेरिएबल के आप हज़ारों नाम क्रिएट कर सकते हो, तो आपको आपको अलग अलग नाम हर बार रखना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट था कि हम लोग जो कीवर्ड है पाइथन के अंदर जो कीवर्ड है जैसे इफ हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स नन ट्रू एंड, तो ये सारे कीवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड अवेलेबल है वो अगर आपको फाइंड करना होगा तो ये जो पाइथन का कोड है हेल्प उसके अंदर आपको लिखना है कीवर्ड्स। तो फ्रेंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो और उसके अंदर आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको स्टार्ट कर लो, और उसके अंदर आपको लिखना है हेल्प, और हेल्प के अंदर आपको सिंपल लिखना है कीवर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे लिखोगे हेल्प और कीवर्ड्स तो इतने सारे जो कीवर्ड आएंगे ये कीवर्ड फिक्स है जो पाइथन समझता है। ये जो कीवर्ड के रिलेटेड जो एपिसोड है वो फ्यूचर के अंदर मैं डीपली बताने वाला हूँ, फिलहाल आपको खाली इतना याद रखना है कि जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड है वो हम लोग वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इफ भी एक कीवर्ड है। तो फ्रेंड हम लोग आ जाते हैं फिर से वी एस कोड के अंदर, तो मैं अभी ये जो इफ कीवर्ड है इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करने का ट्राई करता हूँ, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन हमारी फाइल का नाम, और फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इफ यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि कीवर्ड के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड अभी हम लोग नेक्स्ट और एक चीज़ देख लेते हैं कि हाउ टू नेम अ वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे कंडीशन है तो उसमें से एग्जैक्ट आपको वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, तो मैंने आपको सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि आपके घर में जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी आता है तो मतलब जो छोटे बच्चों के नाम हम लोग कैसे रखते हैं वैसे सिंपल आपको वेरिएबल का नाम भी रखना है। तो जनरली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग दो स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं, एक है कैमल केस
और दूसरा है अंडरस्कोर। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो वेरिएबल के नाम जब बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे यूजर नेम है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, ऐसे जो बड़े बड़े वेरिएबल होते हैं उसके अंदर ये जो यूजर है ये पहला वर्ड हो गया, उसके बाद ये जो नेम है ये दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो होता है कैपिटल। जैसे आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे है प्रोडक्ट, पूरा स्मॉल में है, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ड होता है हम लोग इसके अंदर तो स्पेस नहीं रख सकते, इसीलिए जो दूसरा वर्ड होता है उसके अंदर हम लोग उसका जो पहला कैरेक्टर है वो हम लोग रखते हैं कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। और उसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो दूसरा वर्ड होता है उससे पहले हम लोग अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो फ्रेंड इसका फायदा क्या होता है, तो हम लोग जब भी कोड, मतलब आपका जो कोड है वो कोई दूसरा देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि आपने आपके कोडिंग के अंदर क्या क्या किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे प्रोडक्ट और ये जो नेम है इसके अंदर से आप अंडरस्कोर निकाल दोगे और इसको आप सिंपल स्मॉल कर दोगे, तो जो देखने में इसको प्रॉब्लम होगा, कोड जो रीड करेगा, कोड आपका कोड कोई समझेगा, तो आपको कोडिंग के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड जनरली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ। जैसे एक कोड है, मतलब ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 8 असाइन किया है, 8 मैंने उसके अंदर स्टोर किया है, उसके बाद ये जो दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर किया है 100, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैंने स्टार किया है, मतलब इन दोनों का इन शॉर्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोड जब भी आप पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट करोगे तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल आउटपुट के अंदर क्या आएगा, तो आपका आउटपुट के अंदर आने वाला है 800। तो फ्रेंड फिर से आ जाते हैं हम लोग वीएस कोड के अंदर, और मैंने कोड ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, मैं इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, और अभी हम लोग रन करते हैं उसको python.test.py। तो अभी आप आउटपुट में देख सकते हो 800। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये दो वेरिएबल के बीच में हम लोगों ने किया है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर, इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वेरिएबल का नेम है मैंने एकदम बहुत सा अलग सा कुछ ना कुछ एक्स वाई ABCD नंबर मैंने लिखा हुआ है, जो आपको समझने में भी डिफ़िकल्ट हो रहा है और दिखने में भी काफ़ी अजीब लग रहा है। लेकिन इसी प्रोग्राम को मैं अभी एकदम सिंपल बना देता हूँ। जैसे मैंने 8 जो मैंने स्टोर किया एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो 100 था वो मैंने स्टोर किया किसके अंदर, वाई के अंदर, उसके बाद सिंपल प्रिंट हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब 800 आउटपुट आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के लिए ये जो दोनों कोड है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप वेरिएबल का नाम ऐसा रखो या फिर आप वेरिएबल का नाम छोटा रखो, पाइथन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पाइथन को हम लोगों ने दोनों के केस में हम लोगों ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो दो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके अंदर भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन एज अ ह्यूमन, हम लोग तो ह्यूमन है, हम लोग जब भी ये दो प्रोग्राम जब कंपेरिजन करेंगे तो ये वाला जो कोड है ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये जो कोड है ये हम लोग को स्वीट सिंपल सा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आपको वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, शॉर्ट रखना है और सिंपल रखना है। अभी इसी को हम लोग बनाते हैं मीनिंगफुल। जैसे मैंने बोला कि आपके घर में जैसे जो छोटे बच्चों का नाम आप रखते हो वैसे नाम रखना है, तो इसी को मैंने थोड़ा रिनेम किया है। तो फ्रेंड इसको हम लोग थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। तो ये जो 8 है इसका मीनिंग क्या है, टोटल हावर्स, और ये जो 100 है उसका मीनिंग है हावरली वेजेस, मतलब कोई मजदूर ने 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे का मिलता है 100 रुपया, तो टोटल उसने 8 घंटे काम किया तो उसका टोटल कितना हुआ। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से वीएस कोड के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी कोड कॉपी करके रखा है और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा आउटपुट फिर से आने वाला है 800। लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया, तो खाली वेरिएबल का नाम, तो खाली वेरिएबल का नाम चेंज करने से आपके प्रोग्राम के अंदर कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम को कोई भी देखेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम सिंपल क्या कैलकुलेट कर रहा है। तो कोई
मजदूर का जो उसका जो सैलरी होता है एक दिन का, वो सिंपल इसके अंदर काउंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक घंटे का जो उसका मजदूरी होता है वो होता है 100 रुपीज़। उसने काम किया 8 घंटा, तो 8 घंटे के हिसाब से टोटल उसका कितना मजदूरी हो रहा है, तो आउटपुट के अंदर आ रहा है 800। तो फ्रेंड वेरिएबल का नाम आपको कैसे रखना है, तो एकदम मीनिंगफुल जो आपको समझ में आए, और आपका कोड अगर कोई दूसरा देखे तो उसको भी सिंपल समझ में आना चाहिए। तो इसमें से मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके से दिखा। एक तो बहुत अजीब सा तरीका है, दूसरा तरीका शॉर्ट है, लेकिन इसका जो मीनिंग है कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला तरीका है इसके अंदर प्योर और प्रॉपर यहाँ पे क्लियरिटी आ रही कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो ये प्रोग्राम सैलरी कैलकुलेट करके हम लोग को दे रहा है, तो इसीलिए आपको वेरिएबल के जो नाम है वो आपको क्लियर और मीनिंगफुल रखने हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या है, तो ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर हम लोगों ने एक बार वैल्यू स्टोर कर दी, उसकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड मैं आपको पहले बता दूं कि पाइथन के अंदर ऐसा फिक्स कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब पाइथन के अंदर एक बार हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वेरिएबल। लेकिन बाकी सारी लैंग्वेज है मार्केट के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने एक बार कॉन्स्टेंट वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। वो हम लोग को सिंपल बताएगा कि ये वेरिएबल जो है ये है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड इस केस के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो फ्रेंड अभी खाली समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिक्टली कॉन्स्टेंट वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते, तो ये खाली आपको फिलहाल के लिए खाली कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पाइथन के अंदर हम लोग डायरेक्टली कॉन्स्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक फाइल बना लेता हूँ test.js, क्योंकि अभी ये जो कोड है ये मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ Node.js के अंदर, मतलब इन शॉर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फ्रेंड मेरी फाइल ओपन हो गई है test.js किसके अंदर, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आपको यूज करना पड़ता है कीवर्ड कॉन्स, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ वैल्यू, और इसको हम लोग सिंपल प्रिंट करते हैं console.log से। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर जैसे हम लोग यूज करते हैं कोई भी वैल्यू अगर हम लोग को प्रिंट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैंग्वेज के वाइज सिंपल थोड़ा सा सिंटेक्स खाली चेंज हो जाता है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड, और उसके बाद फाइल में सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नोड हम लोगों ने जो टेलवाइन सीएसएस वाले जो एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। अगर आपको नोड जीएस इंस्टॉल करना है तो वो पिछला एपिसोड आपको जरूर जरूर देखना है, उसके बाद आप ये जो कोड है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको सिंपल मैं आपको कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखो। तो अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो आउटपुट में आ गया यहाँ पे सूडो। लेकिन ये जो नेम वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करता हूँ, नेम इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर लिखता हूँ पावर। उसके बाद फिर से मैं उसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, और मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा वो मुझे क्लियर कट एरर देगा, टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार हम लोगों ने असाइन कर दिया उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन के अंदर कॉन्स्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं, तो जैसे ये जो टोटल हावर है इसकी वैल्यू मैं कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ।
और इस कोड को मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ पाइथन, और हमारी पाइथन फाइल test.py, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि पाइथन एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज है, इसके अंदर ये सारी झंझट होती ही नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स वगैरह हम लोग को लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए पाइथन एकदम स्वीट सिंपल सी इजी सी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आपको इस एपिसोड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सिंपल आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाया उसको आपको प्रैक्टिस जरूर जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको मैंने मोबाइल के अंदर भी जो एपिसोड था वो मैंने बना के रखा है, मोबाइल के अंदर भी आप कर सकते हो, पाइथन का कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो पिछला एपिसोड है मोबाइल वाला वो आपको देखना है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनको देखना है और मोबाइल के अंदर प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिस करना है। और तो भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।